गाड़ी है ना जी, बिल्कुल प्राइवेट है, बैनर लगा हुआ आप देख सकते हैं गुलशन मिल्ला सोसाइटी के हवाले से। अगर आप चलते हैं तो इनके पीछे चल सकते हैं, ये हमारे वासिफ भाई लगे हैं, ये देखिए टीमें काम कर रही है। ईद का दूसरा दिन है, मोबाइल ट्रिप है ना, होटल बना के बस छोड़ देते हैं और फ्री के पैसे ले रहे होते हैं और कुछ भी नहीं करते। यहाँ मुझे वाकई काम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, आपको पता है जहाँ काम होता है वहाँ अगेंस्ट लोग तो खड़े हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि जी आप फंड कहाँ गया, तो हम पूरा ऑडिट करने के लिए तैयार हैं कि कितना फंड हमारे पास आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ हम दिखाने को तैयार हैं, हमारी रिपोर्ट्स वगैरह सारी स्लिप बनती है यहाँ पर जी, बिल्कुल स्लिप बनती है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बगैर स्लिप के किसी भी पैसे नहीं होते। और वो हमारा यूनियन का बंदा जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्शन कर रहा होता है। अब एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें पानी के मसाइल और रोड और गार्बेज के हवाले से अगर ये हमारे वजीर आला सिंध साहब या जितने भी बल्दियाती इदारे हैं इसमें अगर काम कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, हमारी सोसाइटी और बेहतर की तरफ चली जाएगी। ये रास्ता जो जा रहा है सहमा की तरफ जा रहा है, इस पीछे बागे करूँगी, ये शेरवानी सिटी अलहमरा सोसाइटी है, अलहमरा सोसाइटी है, सहमा है, आगे और भी सोसाइटी है। इधर जो शाफेसल की तरफ ब्रिज जा रहा है, आप शाफेसल जाना चाहते हैं तो ये मज़ार वाला कट है यहाँ से, शाफेसल ये शाफेसल वाला कट है यहाँ से आ सकते हैं आप बिल्कुल, ये शाफेसल वाला कट जी, ये शाफेसल वाला ब्रिज के रास्ता है जो नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है जी, ये वो रास्ता यहाँ से आ रहा है। आगे सहमा की तरफ है, अलहमरा सिटी है, बागे करंगी है, सेक्टर 10 और ये गुलशन मिल्लत का बोर्ड है। कामरान भाई ज़रा गेट बंद करके दिखाएं, ये रात के टाइम हम लोग गेट बंद कर देते हैं यहाँ पे ना, और ये 12-1 बजे के करीब गेट बंद हो जाता हमारा। और तो लोग अंदर कैसे आते हैं? गार्ड मौजूद होता है तो जो गेट खोलता है जी, या फिर कोई टाइमिंग है इलाके के अंदर आना इतने बजे? नहीं नहीं टाइमिंग तो नहीं, हमारा गार्ड 24 घंटे मौजूद होता है, दिन का गार्ड अलग है और रात का गार्ड हमारा अलग है। ये गेट बंद कर, ये रोड का भी हाल आप देख सकते हैं, बहुत खस्ता हाल हुआ है, इससे बेहतर कुछ हमारा अंदर की सोसाइटी के रोड है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि गवर्नमेंट के इदारे, मुर्तुजा वहाब साहब से रिक्वेस्ट है जो मेयर कराची बन चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे मामला देख लें। ये उल्टे हाथ पे भी एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी बन रही है या खेत है, इसका कुछ नहीं कह सकते, सीधे हाथ पे ये गुलशन मिल्लत स्टार्ट है। अब मैं आपको दोबारा B4 गेट पे लेके जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर भैया बैठ में आते हो लोग, क्या आज मैं मौजूद हूँ कुरंगी के इलाके गुलशन मिल्लत के अंदर। भाई आज हमने गुलशन मिल्लत विजिट करा है और यहाँ ये विजिट करने का एक खास रीजन था भाई, यहाँ के जो लोग थे, ये कौंसिल के जो लोग थे, प्राइवेट एक कौंसिल जो यहाँ पर काम कर रही है, उनका ये दावा था कि यहाँ पर पूरे कराची के अंदर जिस तरीके से वो इस इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, और वाकई मुझे काम नजर गया है। जिनका दूसरा दिन है और यहाँ पर मुझे कोई अलाइशे नजर नहीं आई, बिल्कुल सफाई सुथराई नजर आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, विजिट करेंगे वो भी। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी कहते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। मैं भी सबसे पहले आप मेरे YouTube पे को ये गाइड करें कि इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, आप इस वक्त बैठे हुए गुलशन मिल्लत सोसाइटी सेक्टर 10 बागी कोरंगी से पहले। गुलशन मिल्लत सोसाइटी है प्राइवेट सोसाइटी है, देखिए जितनी प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट सरकारी इदारे काम नहीं करते हैं, वहाँ उनकी अपनी टीमें मौजूद होती हैं। इसी तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च यूनियन है तो हमारी अपनी स्टैब्लिश जो गार्बेज की टीमें मौजूद हैं वही काम करती हैं, और इसी तरह बकरा ईद के ऊपर जितनी भी अलाइश उठाई जाती हैं वो हम लोग खुद उठवाते हैं अपनी मदद आपके तहत। कल भी ईद का पहला दिन था, हमने 250 से ज़्यादा अलाइश उठाई और रात 10 बजे तक हमारी टीमें लगी हुई थी, और हमारा ये जो हमने जो दावा ये कितना सच्चा है क्योंकि हम देख लेंगे रोड पे आप हमारा जो दावा है, आप हमारे साथ अभी एरिया विजिट करें इंशाल्लाह अभी आपको नज़र आ जाएगा कि आपको कहीं भी कोई अलाइश अगर आज जो कुर्बानी हुई है इसके अलावा, क्योंकि ये अलाइशों भी उठ रही हैं, उस कल की कोई अलाइश आपको इंशाल्लाह एरिया में नज़र नहीं आएगी। अलाइश क्या, जितना कचरा है अलाइश के अलावा भी जो कचरा होता है कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा एरिया में। आपके इस काउंसिल के अंदर क्या रोल है? एज ए मेंबर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, मेरा काम जो है वो जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ मैं इसका, और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं जो हमारे टीम रजाकार हैं जो कल पूरा दिन हमारे साथ रहे हैं और आज भी लगे हुए, तो वो सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। सोसाइटी को कितना टाइम हो गया? देखिए सोसाइटी को जो तकरीबन यहाँ पर 90s की सोसाइटी है, और लेकिन अभी यहाँ पे हमारी यूनियन बने हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। 4 से 5 साल हो चुके हैं, अलहमदिल्ला बदलाव यहाँ पे बाउंड्री वाल हमने शुरू कर दिया, इसमें सैवरी सिस्टम हमारा बर्बाद हुआ होता
सैवरी सिस्टम हमने उसको दुरुस्त कर दिया और बाकी और कोई निज़ाम नहीं था किसी भी चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले यहाँ पे रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर 7 से 8 डकैतियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 90% हम 90% कहते हैं कि हमें सुकून हो चुका है, क्योंकि बाउंड्री वॉल करने के बाद हमने सिक्योरिटी गार्ड लगाए। प्राइवेट जो सोसाइटी होती है गार्ड्स फराम नहीं किए जाते, गार्ड्स जाहिर सी बात है सोसाइटी जो मेंटेनेंस होती है मेंटेनेंस के पैसे लिए जाते हैं उससे गार्ड्स सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। तो ये गार्ड अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हमारी सोसाइटी सिक्योर है। यहाँ पर टोटल कितने गार्ड हैं अभी फिलहाल? हमारे पास फंड की कमी की वजह से हमारे पास टोटल 8 से 9 गार्ड मौजूद हैं। 8 से 9 गार्ड। तो इलाका कितना बड़ा है? इलाका तो हमारा माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 1500 घर हैं, जिसमें से आबाद हमारे पास तकरीबन 900 के करीब घर आबाद हो चुके हैं और जो है वो खाली है, बाकी खाली प्लॉट है। बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूं, आप सुनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के दूसरे दिन आप हमारे पास आए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आए आपको इस हवाले से अपना एरिया विजिट करवाते हैं। आप मुझे कहीं भी एक अलाश या कोई एक चटाई या कोई ऐसी गंदगी दिखा दे हमारे एरिया में, वो तो विजिट करेंगे। देखिए आप बताओ मैं गलत साबित करके रहूंगा? अगर आपने कर दिया है दिखा दिया जो आप बोलेंगे वो सजा, आज आपको सजा भी मिलेगी जला भी मिलेगी। आपके नाम पे विजिट करने वाला मुझे इलाका हम फिर कहां से स्टार्ट करने वाले निशान भी इस इलाके के हवाले से मैंने मैं भी क्वेश्चन देना मैं भूल गया हूं। हमारे ग्रुप बने हुए यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, उसके अंदर जो भी कंप्लेन आती है, जैसे अभी उमेर भाई देखें कंप्लेन देख रहे हैं कि उस हवाले से अलाश कहाँ पे पड़ी है, क्या विजिट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मामला देख रहे होते हैं। ग्रुप के ऊपर सफाई का निजाम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए। तो यहाँ पर एक घर से कितने पैसे लिए जा रहे? यहाँ पे जो चार्जेज है हमारी 1000 रुपए की है और ये वेलफेयर सोसाइटी है, यहाँ पे फलाही काम कर रहे हैं हम एक तरीके से। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे काम हैं जो हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, जो कहते हैं कि पर्दापोशी रहनी चाहिए उन सब चीज़ों पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम नहीं चाहते वो कैमरे पे ऐसी सारी चीज़ें या उस हवाले से हम कर सकें, वो अल्लाह की रजा के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। अब कल रात 10 बज गए थे, हमें सुबह 6 बजे से हम लगे हुए थे और जितने रजाकार जितने मेहमान हमारे साथ बैठे हुए विजिट कर रहे थे, आप मुझे इंटरव्यू नहीं लें, पहले आप एरिया विजिट करें और फिर हमारा दावा देखें कितना सच्चा है या कितना पक्का है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आप आ जाएं इंशाल्लाह आपको विजिट कराते हैं अपना एरिया। फ्रेंड्स अब ऑफिस से हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे दिशान भाई के साथ विजिट करेंगे इलाका और घूमेंगे और इनका दावा कहीं ना कहीं मैंने गलत साबित करना है। और अगर मुझे थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई यहाँ पर तो इनकी फिर तो खैर है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है भाई। हाँ दावे करने वाले को दावा पता है फैसल वैसे ही नहीं छोड़ता, चाहे वो सूट्स के अंदर हो या फिर कुछ भी हो। चलें फिर विजिट करते हैं। जो शाह फैसल की तरफ से जो रास्ता आ रहा है B4 गेट हमारा, हम उस तरफ जा रहे हैं, आपको एरिया विजिट करवा सकते हैं। ये कचरे का बोरा पड़ा हुआ जो कचरा उठ रहा है सारी देख सकते हैं आप। ये हमारे उमेर भाई लगे हुए देख लें, टीम में काम करने में लगी हुई, मतलब पूरी टीम काम कर रही है। हाँ ये देखें ये गाड़ी आ गई, आप देख सकते हैं गुलशन मिल्लत सोसाइटी के हवाले से। अगर आप चलते हैं तो इनके पीछे चल सकते हैं, ये हमारे वासिफ भाई लगे हैं, ये देखिए टीमें काम कर रही है। ईद का दूसरा दिन है, होटल बना के बस छोड़ देते हैं और फ्री के पैसे ले रहे होते हैं और कुछ भी नहीं करते। यहाँ मुझे वाकई काम करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, आपको पता है जहाँ काम होता है वहाँ अगेंस्ट लोग तो खड़े हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि जी आप फंड कहाँ गया, तो हम पूरा ऑडिट करने के लिए तैयार हैं कि कितना फंड हमारे पास आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम दिखाने को तैयार हैं। हमारी रिपोर्ट्स वगैरह सारी स्लिप बनती है यहाँ पर? जी बिल्कुल स्लिप बनती है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बगैर स्लिप के किसी भी पैसे नहीं होते और वो हमारा यूनियन का बंदा जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्शन कर रहा होता है। अब ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ B4 गेट की तरफ, ये एरिया आप विजिट कर सकते हैं। वो मेन एंट्रेंस है, वो भी एंट्रेंस है एक B4 का हमारा, ये गली आप विजिट कर सकते हैं। ये कौन सी साइड है? ये शाह फैसल की तरफ निकलेगा, सायमा की तरफ निकलेगा, इसके साथ ही एक सोसाइटी है सायमा। ईद का दूसरा दिन है और काम चल रहा है हमारा। बाकी मुझे इलाके में गंदगी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वाले से अगर आपने जो बात की थी वो दावा आपके सच्चा साबित हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है, बस ये कि हमारी रो एक पानी का बड़ा मसला है और सेवरेज का है,
सैबिज अलहमदुल्ला आपको सैबिज का पानी भी कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। दूसरी हमारी सड़कें जो है वो टूटी हुई थोड़ी बहुत। अभी हमारे दूसरे मेंबर है, रजाकार है हमारे, कामरान भाई जो गेट पर ये बी4 गेट की तरफ आ गए, इन्होंने भी रात में माशाल्लाह रात 10-11 बजे तक ये भी लगे हुए थे हमारे कामरान भाई। अभी जो था यहाँ पे जो था गाड़ी आई थी, यहाँ जो भी लगातार पड़े हुए थे, कचरे पड़े हुए थे, सब उठा के सफाई करा दी है। अपने मिल्लत को माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा कर दिया है, कहीं कोई कचरा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ताफुन नहीं फैला। और अब जो है कुछ देर के बाद चूने का अमल आएगा, तो चूना जो है हम यहाँ जगह जगह जहाँ जहाँ लगातार आते हैं वो डाल रहे हैं। और काम आप खुद कर रहे हैं? ये लोग हम लोग अपनी मदद आपके साथ खुद कर रहे हैं अपनी मिल्लत सोसाइटी के लिए। और ये भी टूट फूट का शिकार है, जानवरों की ऐसे लोगों के जानवर आए तो इस पर भी एतराज हो सकते हैं। अब उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि भाई बराए मेहरबानी ये करें, अभी ईद के बाद जैसी ईद ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह आप दूसरे इंटरव्यू में देखेंगे काम हो चुका होगा। सिर्फ थोड़ा सा हमारे पास जो है फंड्स की कमी है, लोग हमारे को जितना फंड दे रहे हैं आपसे हम काम करने में लगे हैं। अब एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें पानी के मसाइल और रोड और गैबरेज के हवाले से अगर ये हमारे वज़ीर आला सिंध साहब या जितने भी बलदियाती इदारे हैं इसमें अगर काम कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, हमारी सोसाइटी और बेहतर की तरफ चली जाएगी। ये रास्ता जो जा रहा है सहमा की तरफ जा रहा है, इस पीछे बागे करूंगी, ये शेरवानी सिटी, अलहमरा सोसाइटी है, सहमा है, आगे और भी सोसाइटी है। इधर जो शाफेसल की तरफ ब्रिज जा रहा है, आए मैं आपको विजिट करवाऊँ। ये मेन रास्ता है लोगों का, अगर आप शाफेसल से आना चाहते हैं तो ये मजार वाला कट है, यहाँ से शाफेसल, ये शाफेसल वाला कट है, यहाँ से आ सकते हैं आप बिल्कुल। ये शाफेसल वाला कट जी, ये शाफेसल वाला ब्रिज का रास्ता है जो नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ये वो रास्ता यहाँ से आ रहा है। आगे सहमा की तरफ है, अलहमदा सिटी है, बागे करूंगी है, सेक्टर 10, और ये गुलशन मिल्लत का बोर्ड है। कामरान भाई जरा गेट बंद करके दिखाएं, ये रात के टाइम हम लोग गेट बंद कर देते हैं यहाँ पे ना, और ये 12-1 बजे के करीब गेट बंद हो जाता हमारा। और तो लोग अंदर कैसे आते हैं? गार्ड मौजूद होता है तो जो गेट खोलता है जी, या फिर कोई टाइमिंग है इलाके के अंदर आना इतने बजे? नहीं नहीं टाइमिंग तो नहीं, हमारा गार्ड 24 घंटे मौजूद होता है, दिन का गार्ड अलग है और रात का गार्ड हमारा अलग है। ये गेट बंद करके आपको दिखा देते हैं, रात 12 बजे गेट बंद क्लोज हो जाता है, जो रिहायशी लोग होते हैं वो आ सकते हैं इसके ऊपर ना, वरना कोई बाहर का नहीं आ सकता। बाहर का भी आते हैं, मेहमान आए, विजिट आए, अपना क्या कहते हैं गार्ड से रब्ता करें और जाने देते हैं, किसी को नहीं रोकते हम। जो मशकूक अफराद होते हैं तो इससे हमारे डकैतियों का सिलसिला भी बहुत कम हुआ, वरना आए दिन यहाँ पे मोबाइल छीनने की वारदातें ज़्यादा होती थी। इस इलाके को हमने कवर किया है, तो हमारे लोगों की बड़ी मेहरबानी है, देख सकते हैं बाउंड्री लगी हुई है। जी ये बाउंड्री है, आए आपको उस तरफ का भी विजिट करवाए। ये देखें अभी ये सुबह, कामरान भाई कब कटा जाम? ये सुबह 11 बजे, ये सुबह 11 बजे करीब कटा है, और मौजूद में खालते अंदर गोश्त ये देख सकते। ये बी ब्लॉक का विजिट करवा चुके हैं आपको एरिया, अब ये गलियां हैं देख लें आप। आपका दावा जो है हमने अपना दावा सच कर दिखाया, अभी ए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, बी का रास्ता है, अब ए की तरफ निकलते हैं इंशाल्लाह। आप गलियों में तो बता दें, सिर्फ यहाँ के जो रोड हैं वो मुझे सही नज़र नहीं आया, बाकी मुझे बहुत सफाई नज़र आई है। रोड के फंड के लिए गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं। ये गेट है, ये रास्ता भी बाहर की तरफ जा रहा होता है, ये हमने बंद किया हुआ सिक्योरिटी पर्पज़ के ऊपर। बहुत सारे गेट हैं हमारे जो हमने बंद किया, आपको तमाम विजिट करवाते हैं। B3 गेट है, इमरजेंसी की सूरत में खोला जाता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी हो रही है या कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी की प्रॉब्लम है, तो ये चाबी लगी हुई है बाकायदा, ताले लगे हुए हैं तो हम इनको खोल लेते हैं। ये बाउंड्री चल रही है यहाँ से, ये पूरी बाउंड्री जी आपको विजिट करवाते हैं, बाहर का एरिया भी और ये अलग। ये बाउंड्री चल रही है इस तरफ, ये देख सकते हैं। ये देखें सीधी गली B2 गेट आ गए, ये इमरजेंसी की सूरत में खोल सकते हैं। अभी यहाँ पे प्लाट बहुत सारे गेट इमरजेंसी के लिए हैं क्या? नहीं जी, असल में वारदात की सूरत में कोई ऐसे मामलात ना हो इस वजह से।
ये भी घर तामीर हो रहे हैं। ये घर तामीर चल रहे हैं, तामीराती काम जारी। यहाँ बैनर क्यों लगाया था? कौन सा बैनर? ये बैरियर लगाया हुआ हमने, पहले बैरियर लगा हुआ था, गार्ड रखे हुए। ये सीएनजी की तरफ हम आ गए। ये मेन गेट, ये मेन गेट हमारा मेन एंट्रेंस है सीएनजी स्टेशन मिल्ला सीएनजी। यहाँ मुझे कोई गार्ड बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। वो बाबा बैठे हैं, आप देख सकते हैं। ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया रूट आ रहा है। ये सिंगर चौंगी की तरफ से, दादू रूम की तरफ से आ रहे हैं, और ये खाफेसल की तरफ रास्ता जा रहा, जो मैंने अभी आपको आगे से दिखाया था, ये वो रास्ता है। अब यहाँ से बीच में आपकी सोसाइटी है। जी, बीच में हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी का मेन इंटरेस्ट है। अभी जैसे जैसे फंड आ रहा है, हमारे गेट देखें कंप्लीट हो गए हैं वाले ना, अभी मजीद गेट लगना बाकी है। 1988 जब तक किसी ने काम नहीं किया था यहाँ। प्राइवेट सोसाइटी है ना, ये तो बिल्डर का काम था, बिल्डरों ने काम किया। ये हमारे बैठे में, आप कह रहे थे गार्ड नहीं है तो इनको बैठाया हुआ हमने, चौकीदार लगा। हाँ ठीक है, चले अब ए ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये ए ब्लॉक की गलियाँ हैं, बी तो आपको विजिट करा दिया था, अब ए की तरफ चलते हैं। टोटल कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर? दो ब्लॉक हैं, ए और बी। ये मेन रास्ता ए की तरफ, इधर उल्टा सीधे आपकी तरफ बी ब्लॉक। जुम्मे का दिन है, दूसरा दिन है जुम्मे का, ईद का दूसरा दिन है, और कुर्बानी का सिलसिला जारी है। अभी देख सकते हैं ये क्या लगाए हुए यहाँ, ये बैरियर्स लगे हुए इनको। ये भी इमरजेंसी गेट है। जी ये भी गेट है, जुम्मे की तैयारी है। ये गली पूरी सीधी आपको राडो तरफ की तरफ निकालेगी। सोसाइटी तो बहुत बड़ी है। जी किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने मेंबर और अदाकार और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, दिन रात कोशिशें कर रहे होते हैं। ऑफिस से आने के बाद ये मामला देख रहे होते हैं हम, या सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है तो बाकी टीमें काम करने में लगी हुई। असल में जुम्मे का टाइम हो रहा है, वरना मैं आपको और मजीद अपनी टीमें दिखाता और विज़िट करवाता उनसे। एक गेट ये बंद पड़ा हुआ देख सकते हैं, A5 का। आप ए और बी में मुझे दिखा दें कहीं भी एक अलाश पड़ी हो या कोई ऐसी, मुझे नजर नहीं है। कोई ऐसी गंदगी पड़ी हो। ये A4 का गेट है, मेन एंट्रेंस ये भी, इसको बंद किया हुआ है आधी तौर पे। सारे गेट तो मुझे बंद नजर आए। हमने चार एंट्रेंस रखे हैं सीएनजी से, चार हैं, दो हमारे ए और बी के। जो कोरंगी से आने वाला है वो इस ये रास्ता अख्तियार कर सकता है, सड़कें थोड़ी टूट फूट का शिकार है। ये आप कराची के हर एरिया में देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं कुर्बानी जा रही है उस तरफ भी। टाइम देख लें और उसके बाद आप देख लीजिएगा लाश का बूटी। ये यहाँ पर इस गेट पर भी गार्ड बैठे हैं। जी इस गेट पर भी गार्ड बैठे हैं, ये A4 गेट है, देख लें टाइमिंग लिखी हुई है इसके ऊपर। यहाँ पर सोसाइटी खत्म हो रही। जी ये राडो की तरफ रास्ता निकल, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से इंटर। जी आपको बाहर का भी विजिट करवा सकते हैं, आज हम बाहर आपको विजिट करवा। एक बी की तरफ का एंट्रेंस दिखाया था आपको, ये राडो बेकरी है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये फिर हम उसी रोड पे आ गए जो सिंगर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सिंगर से शाफेसल की तरफ रोड जा रहा है, यहाँ से एंट्रेंस हो सकते हैं। सीधे हाथ पे सोसाइटी है राडो के पीछे। जी बिल्कुल, ये अब मैं आपको बाहर से लेके जा रहा हूँ। नहीं अब मैं आपको बाहर का विजिट करवाता हूँ कि हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी है और ये बाउंड्री लगी हुई है हमारी सोसाइटी पे। ये देख लें बाहर के हिस्से में पानी मौजूद है।
ये साथ में अल्लाह बख्श बोर्ड है, इनकी सेफ्टी लाइन का मसला है, तो इनसे भी रिक्वेस्ट है और बदलियाली और इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि काम करवा लें बलदियाती इदारे। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है अपनी मदद आपके तहत जो हमने अंदर सोसाइटी को मेंटेन किया हुआ है। ये सोसाइटी के पीछे डबल लोड चल रहा है। अच्छा जी, ये आपकी सोसाइटी है? ये हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी का बैक साइड गेट है जी, ये भी एक गेट है। अंदर की तरफ से विजिट करवा दिया है, अब ये बाहर की तरफ से आपको विजिट करवा रहे हैं। बाहर का रोड फिर भी कुछ बेहतर है, बाहर भी डबल लोड है। ये गेट भी बंद है, ये भी एक टुकड़ा है सोसाइटी का हिस्सा है ये भी, मगर ये अभी मेरे ख्याल से किसके पास है, बिल्डर के पास है या आई थिंक किसके पास है। ये बागे करूंगी सेक्टर 10 लगता है याला एरिया, ये डबल लोड चल रहा है। ये देख ले, ये लोगों ने यहाँ बाहर आके फेंका, अंदर सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के बाहर का फर्क आप देख सकते हैं। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के बाहर बहुत फर्क है। असल में कुछ लोग आते हैं जो क्या कहते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें अलाश में से निकालते हैं, वही फाड़ के चले जाते हैं, तो हमने ये अंदर अलाव बंद किया हुआ कि हमने हमारी टीम अंदर अलग काम कर रही है। अच्छा, ये जो अलाश वगैरह उठ रही है इसका कोई फंड कोई चार्जेस नहीं है, जो उसी पैसों में है। अब ये सोसाइटी के बाहर आप देख सकते हैं सारे, तो सर्विस आपके जो चार्जेज हैं जी उसी के अंदर है। अब ये देखेंगे क्या हाल किया हुआ लोगों ने अपनी हिस्से का सामान निकाल के लेके चले जाते हैं, बाकी चीज़ें फेंक दे। ये देख सकते हैं आप विजिट, ये सोसाइटी के बिल्कुल दीवार के साथ। तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर इन बातों पे बात करें तो फिर मामला ज़्यादा आगे चले जाते, किस किस को रोक सकते हैं? जितना फंड और महदूद लोगों के हिसाब से हम ये सारा काम सकते हैं, अंदर की सोसाइटी बेहतर है। एक इंटरेस्ट ये जो CNG वाला मैंने आपको दिखाया, ये ए ब्लॉक का हिस्सा था, ये बी ब्लॉक शुरू हो गए। ये गुलशन ए मिल्लत देख लें, गेट लगा हुआ B10 गेट है। अब बाहर से आप बाहर से विजिट करवा रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसी है। ये गेट नंबर B8 आ गए। ये B7 आ गए। गेट पे नंबर लिखा जी, बिल्कुल ये गेट खुला हुआ है, ये देख सकते नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं है, ये हमने आगे से इसको आपको अंदर से विजिट कराता हूँ। यहाँ कुछ दूसरे दीगर मामला चल रहे हैं, ये लाल मोहम्मद गोड इसके साथ भी लगता है। अच्छा, ये देखे, ये गेट के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये सीधे आपके गुलशन ए मिल्लत है और उल्टे हाथ पे है जो लाल मोहम्मद गोड है। यहाँ पे कुछ ऐसी कह सकते हैं, फंड्स की कमी कह सकते हैं, बहुत सारे मामला हैं, इन पर भी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम हम कर सकते हैं। हमने ये गुलशन ए मिल्लत का मेन जो है यहाँ पे, ये हमने बैरियर लगा के यहाँ से ब्लॉक किया हुआ। अच्छा, सेफ्टी पर्पस नहीं आ सकते यहाँ से, कोई बाइक पर अंदर नहीं, पैदल जाने वाला जा सकता है। ये एरिया विजिट कर सकते हैं आप, पीछे वाला वो देख, पूरा गुलशन ए मिल्लत है। अब मेरे उल्टे हाथ पे गुलशन ए मिल्लत पड़ेगा, वो अंदर कचरे की गाड़ी घूम रही है वो देख जी। ये कौन सी सोसाइटी? ये साथ में लाल लाल मोहम्मद गोट कहलाता है। लाल मोहम्मद गोट जी, ये मेरे सीधे हाथ पे, यहाँ पे पहले हमने गार्ड बैठाया था, अब लोगों के एतराज हैं, इधर मना किया हुआ गार्ड बैठाने से। कुछ कोने के घर हैं या ये हैं या ये, इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये साइमा की तरफ रास्ता जा रहा है, ये साइमा है, पीछे अलहमरा की तरफ चले जाएंगे। जो मैंने आपको बताया मदार से रास्ता आ रहा है, ये रोड का भी हाल आप देख सकते हैं, बहुत फस्ता हाल हुआ हुआ। इससे बेहतर कुछ हमारा अंदर की सोसाइटी के रोड है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि गवर्नमेंट के इदारे, मुर्तजा वहाब साहब से रिक्वेस्ट है जो मेयर कराची बन चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे मामला देख लें,
ये उल्टे हाथ पे भी एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी बन रही है या खेत है, इसका कुछ नहीं कह सकते। सीधे हाथ पे ये गुलशन मिल्लत स्टार्ट है। अब मैं आपको दोबारा बी4 गेट पे लेके जा रहा हूँ। ये रास्ता जो है पूरा अब मेयर कराची आए, इंशाल्लाह इनसे अच्छी उम्मीद है हमारे के मुर्तजा वाहब साहब जो हैं वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के भी हैं और इंशाल्लाह कराची के लिए काम करेंगे। ये हमारा बी4 गेट है जो मदार की तरफ से इधर से आ रहा है। ये मैंने आपको अंदर और बाहर से पूरा एरिया विजिट करवा दिया, बिल्कुल ऐसा ही। अभी दोबारा आप देख सकते हैं अंदर, अंदर और बाहर में आप फ़र्क देख लें।